गुरुवार को बेनीगंज स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर सदर सांसद रवि किशन ने मशहूर सिंगर के एवं सिद्धू मूसेवाला और योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन तथा राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मशहूर सिंगर के आकस्मिक निधन और पंजाबी के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक बड़ा दुखद घटना है। उनका पंजाब में उनकी हत्या हो गई। मैं संसद भवन में इस मुद्दे पर सवाल उठाऊंगा कि जहां भी फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दें, जहां भी शूटिंग के दौरान भीड़ जुटने की समस्या हो। अब गोरखपुर में भी बड़े बड़े फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो मैं ज़िला प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि जहां भी फिल्मों की शूटिंग हो वहां एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाए। मशहूर सिंगर के मात्र 53 साल के और सिद्धू मूसेवाला केवल वो 28 साल के ही थे। उन्हें जिस प्रकार घेर कर मारा गया इसमें पंजाब सरकार की लापरवाही है, जबकि उनकी जान का खतरा पहले से ही था, तब उनकी सुरक्षा व्यवस्था एक दिन पहले क्यों हटाई गई? इसका जवाब आप सरकार देगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई। मैं बहुत दुखी हूं, पंजाब की जनता भी हैरान है कि कैसे उनको बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस हत्या का जवाब केजरीवाल दें या फिर भगवत मान जी इसका जवाब दें। उन्होंने बताया कि 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और हम सभी लोग अयोध्या जाएंगे, प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति गोरखपुर आएंगे और सर्किट हाउस से रामगढ़ताल झील जाएंगे और शाम को म्यूजिक लाइट देखेंगे, फिर गीता प्रेस और गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और पूरे भारत के लोगों का नज़र हमारे गोरखपुर पर रहेगा और एक रात सर्किट हाउस में रुकेंगे। इसमें पूरा देश दिखेगा, जो उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ने किया है। हम लोगों का सीना चौड़ा होगा। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज फिल्म को मैं सभी लोगों को देखने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी लोग फिल्म को देखें। पृथ्वीराज फिल्म में इतिहास की सच्चाई को दिखाया गया है और इस फिल्म को ना देखने की विपक्ष पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, बहुत ही सुंदर, 2 साल पहले यहाँ आए थे गोरखपुर महोत्सव में और बहुत ही जिंदा दिल इंसान, बहुत सोनू निगम नहीं आ पाए तो उनको अचानक बुलाया गया, आए परफॉर्म किया और अचानक परफॉर्म करते हुए। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो कलाकार हूँ 30 साल से, सारे कलाकार मेरे मित्र हैं। मैं जब भी कभी रात में इनके साथ डिनर वगैरह पे बैठता था तो मैं कलाकारों से हमेशा पूछता था कि हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो अक्सर कलाकार ये कहते थे और कहते हैं, और जो सच्चा कलाकार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि मेरी कैमरे के सामने मृत्यु, मेकअप लगा हुआ मेरी मृत्यु, मैं मंच पे परफॉर्म करता रहूँ या मैं एक्टिंग करता रहूँ तब मेरी सांसें निकले। मैं सारे दिग्गज कलाकार जो मैं सबके साथ ऑलमोस्ट काम कर चुका हूँ, इस देश के सभी कलाकारों के साथ, 2-4 के साथ नहीं किया होगा लेकिन मैंने सबके साथ 700 फिल्में की हैं, तो सबसे जब मैं भी कमलेश जी में पूछता था तो सब यही कहते थे कि आखिरी सांस मेरी कैमरे के सामने हो, मंच पर हो, परफॉर्म करते हो। वही कहा ना राज कपूर साहब ने, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा। कलाकार की वही, कलाकार परफॉर्म करते करते ही चला जाना चाहता है, उसको वो चाहता है, उसी का मोक्ष वही है हर जो कलाकार है। तो के चले गए, बहुत दुखद है 53 साल की उम्र में, समझ में नहीं आता, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कहीं लापरवाही भी थी। लापरवाही ये है कि गौर करना चाहिए, मैं शायद इसको पार्लियामेंट में बोलूँगा या मैं लिख के भी दूँगा कि कलाकार जब परफॉर्म करे या क्लोज एंट्री हो तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा कि वहाँ एम्बुलेंस ज़रूर रहे, फर्स्ट एड ज़रूर रहे, जगह चोक ना हो, तो ये चीज़ों पे भी हम लोगों को गौर करना है। हमको कोई बताया कि वहाँ पे थोड़ी देरी हो गई उनको लेने जाने में, गिरे और जाने में, फर्स्ट एड होता है, तो कोई भी परफॉर्मेंस हो तो ये हम लोगों को तय करना चाहिए, डीएम महोदय को या जो भी हैं, जहाँ पे भी इसको परमिशन मिली है, जिस शो पे जहाँ भीड़ आने वाली है, कि वहाँ पर एम्बुलेंस भी उसमें लिखा हो परमिशन में कि आप अगर भीड़ ला रहे हैं तो एम्बुलेंस शुड बी देयर एंड फर्स्ट एड हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए किसी भी। तो ये के जाने के बाद ये चीज़ हमारे को स्ट्राइक हुई और मैं इसको लिख कर भी दूंगा, प्रशासन को भी दूंगा, उत्तर प्रदेश में भी और हमारे गोरखपुर में भी, कि यहाँ भी बड़े बड़े शोज होते हैं जहाँ भीड़ बहुत आती है और जब भी कुछ ऐसा हो, कभी गाड़ी फंस जाती है, आदमी निकल नहीं पाता क्योंकि क्राउड बहुत होता है, फैंस बहुत आते हैं, तो एक चीज़ वो है। दूसरा दुखद है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, अभी के वो सिद्धू मूसेवाला चले गए, ये पंजाब में उनकी हत्या हो गई, तो ये थोड़ा सा
कहते हैं ना ब्लैक काला बादल छाया हुआ सिनेमा इंडस्ट्री पर, म्यूजिक इंडस्ट्री पे। इस तरह से अचानक दो यंग, वो 53 के थे, सिद्धू मूसेवाल तो मात्र 28 साल के थे, और उनको इन लोगों ने घेर के मारा। तो ये यहाँ पर पंजाब सरकार की विफलता है, आप सरकार की विफलता है। एक दिन पहले उनकी सुरक्षा हटाई गई और उनको घेर के इस तरह मारा गया। और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, सिद्धू मूसेवाल की, पूरी दुनिया रो रही है। उनके फैन सब सड़कों पे आ गए हैं और उनकी इतनी बेरहमी से हत्या हो गई। यहाँ पे पंजाब सरकार, आप सरकार जवाबदेही है क्यों उनकी सुरक्षा एक दिन पहले हटाई गई थी, जब पता था कि उनको जान का खतरा था। तो मैं बार बार ये सवाल, मैं बहुत दुखी हूँ, ये दो आघात जो मिले हैं, लेकिन ये जो हत्या हुई है, ये बहुत सारी सवालों के घेरे में आप सरकार आती है और उनको जनता को जवाब देना। पंजाब की जनता शॉक होगी कि जिनको हमने चुना था उन्हों को ये झटका मिला है। तो पंजाब की सरकार, आप सरकार की विफलता की वजह से सिद्धू मूसेवाल, उनकी सिक्योरिटी की कमी की वजह से उनकी हत्या हुई है, और इसकी जवाबदेही आप सरकार, कांग्रेस का पंजाब की सरकार है, वो आपकी सरकार है, केजरीवाल जी जवाब दें, भगवान मान जी वहाँ जवाब दें जो मुख्यमंत्री। देखिए वो के जी की मौत तो नॉर्मल हुई थी, वो हार्ट अटैक से हुई। बाकी सिद्धू मूसेवाल में 6 लोग पकड़े गए हैं, बाकी पता चलेगा। ये बहुत बड़ा इसके अंदर एक रैकेट है, इसमें कौन कौन लोग मिले हैं, क्यों सुरक्षा हटाएगी, किसके आदेश में हटाएगी, कौन लोग जुड़े हैं, क्या राजनीति थी, या नॉर्मल गैंग वॉर था, या गैंगस्टर था, जो भी हो, सब बातें आनी चाहिए, क्योंकि हमारी बिरादरी के हैं, कलाकार बिरादरी के हैं, और ये बात सबको जानना चाहिए। पूज्य महाराज जी ने जो काम किया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के दौर में, 8 साल के दौर में प्रभु राम के मंदिर के गर्भशिला को कल वहाँ पर स्थापना हो गई। जो विपक्ष कहते थे सपा बसपा वाले कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज उनके मुंह पर, उनको भी जान लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पूरे विश्व का सबसे भव्य मंदिर होगा, पूरे विश्व के सनातनी धर्म, 100 करोड़ हिंदू लोगों की आस्था जगी है। कल एक बहुत बड़ा दिन था, मुझे महाराज जी ने किया बहुत बड़ा दिन है, 5 जून को उनका जन्मदिन है, और ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि अयोध्या गए। अब प्रभु राम के मंदिर को हम लोग बहुत जल्द देखेंगे। हमको राज ठाकरे जी का नहीं पता, हमको महाराज जी का जन्मदिन पता है, हमको यह हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ गोरखपुर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी बहुत खुशी की लहर है। गीता प्रेस जाएंगे तो वहाँ सर्किट हाउस रुकेंगे, रामगढ़ झील जाएंगे, शाम को वहाँ म्यूजिक और लाइट शो देखेंगे, पूरा विश्व देखेगा गोरखपुर को राष्ट्रपति की आंखों के द्वारा। उस दिन पूरे विश्व का मीडिया की नज़र यहाँ होगी, और हमारे गोरखपुर उस दिन पूरे भारत की नज़रों में चमकेगा, जब राष्ट्रपति जहाँ जहाँ से गुजरेंगे लाइव चलेगा हर चैनल पे, और मेरा पूरा भारत, पूरा विश्व में जहाँ जहाँ हमारे भारतीय हैं, उस दिन हमारे गोरखपुर को देखेंगे। तो गोरखपुर वासियों के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है, राष्ट्रपति जी का यहाँ आना, गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, गीता प्रेस जाएंगे, हम लोगों को संबोधित करेंगे, सर्किट हाउस रुकेंगे एक रात, वहाँ से रामगढ़ झील जाएंगे, पूज्य महाराज जी का सानिध्य रहेगा, और वहाँ पर हमने महाराज जी ने जो गोरखपुर के लिए काम किया है पूरा देश देखेगा, और हम लोगों का सीना उस दिन 4 और 5 तारीख को बड़ा गर्व से चौड़ा होगा। मैं पृथ्वीराज फिल्म के लिए कुछ जो लेफ्ट माइंड सेट के लोग हैं, जो लेफ्ट मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदू संस्कृति सनातन धर्म से जिनके पेट में अक्सर दर्द होता है, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, पृथ्वीराज जितने लोग हैं, जितने भी लोग, इसका एक विपक्ष का एक आईटी सेल है जो इसके विरुद्ध में काम कर रहा है इस फिल्म को नहीं देखने के लिए, मैं सबसे हाथ जोड़ करके सांसद रवि किशन, आप लोगों का रवि किशन कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जाके देखिए पृथ्वीराज। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने मेरे साथ मोहल्ला 80 फिल्म बनाई थी, उन्होंने बनाई और बहुत शानदार सत्यता के साथ सत्य बताया है पृथ्वीराज जी का, जो मुगल काल में और हमेशा इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज की छवि को धूमिल किया गया, वो सारी चीजों को कटाक्ष मारा गया। आप सब लोग जाके जरूर इस फिल्म को देखें पृथ्वीराज जी को। कल हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया, मैं स्वयं इस फिल्म को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को स्वयं जानता हूँ, मैं इस कहानी को जानता हूँ, ये स्क्रिप्ट क्या है, ये ऐसी सच्चाइयों को उजागर करेगी, मुगल्स कितने कायर थे वो पता चलेगा पृथ्वीराज फिल्म, आप लोग सब जरूर जाके देखें, और पता चले कि कैसे अभिमान नारा गुजेगा, हर हर महादेव, क्योंकि ये नारा उस फिल्म में है जिसको लेके सारे लेफ्ट मानसिक
मानसिकता के लोग, जितने भी हिंदू विरोधी लोग हैं, इनके पेट में दर्द होता है जब भी जय श्री राम और हर हर महादेव सुनते हैं। तो आप लोग सब लोग जाइएगा फ्राइडे को ये फिल्म देखने के लिए। अब बात ये नहीं सुन लो, बात हो कि हमके बताए के बाद अच्छी चीज जब वो लोग प्रमोट करते हैं, जब वो लोग विरोध करते हैं तो हम लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं ऐसी कोई गलत चीज, सच्चाई को बाहर आना होगा। जैसे कश्मीर फाइल आई थी, सच्चाई को जब भी दबाया जाएगा, सच्चाई आने के लिए विरोधी एक आईटी सेल लगा, तब हमको बाहर आना पड़ा, तब हमारे गृह मंत्री को आना पड़ा। जब भी सच्चाई को छुपाएगा, और हम अगर सच्चाई बता रहे हैं, इतिहास के पन्नों में कांग्रेस के दौर में सब जो इतिहास को फाड़ के फेंका गया, हमको औरंगजेब और अकबर पढ़ाया गया, हमको हुमायूं पढ़ाया गया, तब हम लोगों को बाहर आना पड़ता है, तब बोलना पड़ता है। हम ऐसे नहीं आते, ना हमारे गृह मंत्री कभी आके बोलते हैं। जब मेरे इतिहास को बताया जा रहा है तो आपको उसको विरोध नहीं करना चाहिए। हम आपको सच्चा इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो हमको गलत इतिहास बचपन से पढ़ाया गया, हम लोग को गलत भारत दिखाया गया। पहले 5 लाख पंडितों के मारे गए, आप लोगों को भी जानना चाहिए, इतिहास में मारे ही गए हैं हम लोग और मारे जा रहे हैं, अब जाना जा रहा है, क्योंकि अब सब एकाग्र हुए हैं। देखा हो बचपन से हम मंदिर जाते हो जाए, हम जब भी जाते थे महादेव यहाँ बैठे रहते, वहां देखते थे नंदी जी बैठी, सवाल उठता था, बुद्धि चलती नहीं थी हमारी कि नंदी जी वहर काहे ताकत है मस्जिद की ओर। आज वो सारी चीजें बाहर आ रही, स्वयं वो महादेव हैं, अपने आप को स्वयं जागृत कर रहे हैं। जहां जहां ध्वस्त किए गए, जहां जहां हमारे भगवानों को नष्ट किया गया 500 साल पहले 800 साल पहले, अब वो सारे भगवान, वो सारी एनर्जीज खुद स्वयं अपने आप को जागृत कर रही है। सत्य जो होगा माननीय उच्च न्यायालय में है, मैं एक सांसद के रूप में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन, न्यायालय का जो भी आदेश होगा, वहां पे शिवलिंग है तो हमको सबको प्रेम से मानना होगा, जैसे प्रभु राम के मंदिर के अयोध्या में हम सब माने। हम लोग सब लोग एक संस्कृति में चले, हम लोग कोई दंगा फसाद में ना फंसे, हिंदू भी प्रेम से रहे, मुसलमान भी प्रेम से रहे, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे, हाथ जोड़ करके उसको मानेंगे। अगर शिवलिंग न्यायालय का देगा वहां नहीं था तो हिंदू धर्म, हिंदू समाज उसको भी प्रेम से मानेगा, मुसलमान समाज को भी मानना होगा अगर वहां शिवलिंग था। और दंगा फसाद में नहीं फंसे पड़े, क्योंकि कानून लॉ ऑर्डर अभी बहुत स्ट्रांग है, आप लोग किसी भी गलती में ना पड़े। तो मैं नहीं चाहूंगा किसी के बहकावे में आए, ना कोई संत साधु के आए, ना किसी मौलाना के बहकावे में आए। उच्च न्यायालय को आप लोग पालन करें, डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहे हैं, कानून के साथ हम लोगों को चलना है।